रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहा बाइक सवार युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे से घायल युवक के परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव राजपुर के सरिया का रहने वाला अरविंद पुत्र रामचंद्र, जो कि मछली बेचने का काम करता है, बताया जा रहा है कि अरविंद रामपुर जनपद के टांडा गांव में रिश्तेदारी में गया था। वहां से वह बाइक से घर वापस लौट रहा था कि भगतपुर से पहले उसकी बाइक को किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे में अरविंद के घायल होने की जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया और परिजन मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में घायल हालत में परिजन घायल अरविंद को लेकर 108 एम्बुलेंस की मदद से मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया, जहां घायल अरविंद का उपचार चल रहा है। हादसे से घायल के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। राजपुर के सरिया डिलारी, ये बताइए एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट मोटरसाइकिल आ गया, अब गाड़ी रपट गई। कैसे रपट गई ये तो पता नहीं सर। सामने से टक्कर हो गई? हाँ, सामने से टक्कर हुई किसी गाड़ी से, या वो अकेला पड़ा था जिस टाइम हम गए थे। कौन सी रोड पे हुआ, कहाँ पर हुआ? टांडे से आते हुए भगत के पीछे। क्या काम करते हैं? मछली उछली पकड़ के बेचने का काम करते हैं। अच्छा, तो शादी हो गई? हाँ, बच्चे हैं। भारत के? कितनी उम्र है? 45 साल। आप कहाँ पर लेकर आए हो? मुरादाबाद। अकेले थे ये बाइक पे? ये हाँ अकेले थे। ज्यादा चोट लगी? हाँ, चोट अच्छी लगी है। वो बताइए इनके पिताजी का क्या नाम है? रामचंद्र। रहने वाले कहाँ के बताए? राजपुर के सरिया थाना।